दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट है और 26 जनवरी तक चलेगी। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और इसके बाद आपका रिजल्ट आने जा रहा है 1 फरवरी को। लेकिन इस बीच बहुत सारे लगभग लगभग डेली 500 मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा जो कॉलेज भरा हूँ एक बार चेक कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि सर मुझे कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, जो मैं फॉर्म भरा हूँ वो सही है या नहीं। तो डियर, इन सब चीज़ों के लिए आप खुद चाहो तो चेक कर लोगे। मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई दिया और उसके बावजूद भी मुझे लगा नहीं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जो हम चॉइस लॉक किए हैं कैसे पता करें कि राउंड वन में कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो इसका बिल्कुल 100% आपको जवाब मिल जाएगा और आप खुद चेक कर सकते हो कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी कि काउंसलिंग में कैसे आपको कितने सीट के लिए आप फाइट करने जा रहे हो, तो वो सिस्टम आप समझ जाएंगे। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि हाँ इतना रैंक है, इतने चीज़ पे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं इतना इतना चॉइस फिलिंग किया हूँ तो मुझे मिलेगा या नहीं। और आप सबको पता है पटना का अगर कॉलेज छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सभी कॉलेज में एक ट्रेड में 60 सीट होता है। ये तो सबको पता ही होगा कि कोई भी कॉलेज हो, मान लो आपने सिविल लॉक किया है पटना में या कहीं पे भी सिविल लॉक किया है, तो सिविल में कितने सीट होते हैं? 60 सीट। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में 60 सीट होते हैं, मैकेनिकल में भी 60-60, एवरेज हर कॉलेज में 60 सीट होते हैं। ये सबको क्लियर है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लो आपने एक चॉइस लॉक किया, किसी ने एक चॉइस लॉक किया है सिविल, तो उसने कितने सीट के लिए फाइट किया? आप बोलो सर एक चॉइस लॉक किया है सिविल, तो वो 60 चॉइस के लिए या 60 सीट के लिए फाइट करने जा रहा है। किसी ने मान लो सिविल भी ऐड किया है, इलेक्ट्रिकल भी कर लिया, दो चॉइस लॉक किया है, तो 60 में 2 का गुणा कर दोगे, यानी कि इसका मतलब हुआ वो टोटल 120 सीट के लिए फाइट करने जा रहा है ना। और किसी ने मान लो कि 60 सीट एक चॉइस में होता है, उसने 20 चॉइस लॉक किया है, 20 चॉइस, समझना कि जो चॉइस फिलिंग है, किसी ने 20 चॉइस लॉक किया है और एक एक चॉइस पे हमें 60-60 सीट का फाइट रहता है, तो टोटल इन्होंने 1200, 6 × 1200 सीट के लिए फाइट करने जा रहे हैं। ये 1200 आपका क्या है? सीट है। और ये आपका क्या है? 20 चॉइस है, ठीक है। इन्होंने इतने 20 चॉइस किए, इसका मतलब है कि 1200 सीट के लिए ये फाइट करने जा रहे हैं। अब यहीं पे आपको समझना है कि अगर 1200 सीट के लिए आप फाइट करने जा रहे हैं 20 चॉइस लॉक करके, 20 चॉइस साइट अगर आप लॉक किए हो तो आप 1200 सीट के लिए फाइट करने जा रहे हो। अब किसी का रैंक है 10,000, किसी का रैंक कितना है, मान लो 10,000 है कि 10,000 सर मेरा रैंक है। अगर आपका रैंक 10,000 है और जो चॉइस लॉक किए हो आपने 1200 सीट के लिए लॉक किए हो, तो क्या आपको यहाँ से कॉलेज मिल पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो 10,000 के नीचे लड़के हैं जिनका 1200-1300 रैंक है, पहले उन्हें मिलेगा कि आपको मिलेगा? तो आपका रैंक 10,000 है और उसके बावजूद भी आपने बीसी चॉइस लॉक किया, सपोज दैट बीसी किया, तो 1200 ही सीट के लिए तो फाइट करने जा रहे हो। अब 1200 का आप ना जाने कितने गुना आपका रैंक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में कभी भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर किसी का रैंक मान लो 1000 है कि 1000 उनका रैंक है, ठीक है, 1000 रैंक है, उन्होंने 1200 रैंक तक के लिए चॉइस लॉक कर लिया कि 1200 तक में कोई ना कोई मिल जाएगा, तो यहाँ से इनका 100% कन्फर्म है कि इन्हें कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने रैंक से ज़्यादा सीट के लिए फाइट किया है। अब मान लो इनका रैंक 1000 है, इन्होंने केवल 2 चॉइस लॉक किया, यानी कि 120 चॉइस के लिए, तो फिर से इनके लिए दिक्कतें आ जाती हैं। अगर ये 2 चॉइस लॉक किया रहता लड़का, तो 120 सीट के लिए लॉक करने जा रहा है, तो फिर इनको नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने अच्छा किया कि अगर इन्होंने 1000 रैंक होने के बावजूद 20 चॉइस लॉक किए रहते तो इन्हें कॉलेज मिल जाता। तो इस तरीके से आप समझे, टोटल आपको मैंने बताया था कि 181 चॉइस है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 192 है। अगर 181, सपोज दैट 181 चॉइस है, हम एक चॉइस में 60 सीट मानकर चलते हैं कि है, एक चॉइस में 60 सीट, तो आप 60 से इसका गुणा कर दो, 0 को रहने दो, 6, 48, 10, यानी कि 10,860 सीट आ रहा है। कब सीट? जब आप 60 चॉइस एक एक कॉलेज में रख रहे हो और टोटल 181 के 181 पूरा भर दे रहे हो,
इसके अलावा कुछ गर्ल्स की कॉलेज है, तो इस तरीके से मिला के आपका 10,000 प्लस वो लगभग 11-12 हजार के करीब सरकारी सीट है। कब ये होगा? जब आप 181 के 181 पूरा भर दोगे। आप गलती ये कर पा रहे होगे कि अब 181 चॉइस ही लॉक नहीं किए होगे। बहुत लड़के 30 चॉइस लॉक किए हैं, 40 किए हैं, 48 किए हैं, 100 के अंदर बहुत सारे लड़के हैं, और आपको सीट इतनी ही है, क्योंकि इसके अलावा गर्ल्स का अलग है, तब तो टोटल मिला के 42 कॉलेज का सब होगा। टोटल 44 कॉलेज में तो आपके लिए बॉयज के लिए 42 ही है, दो तो गर्ल्स के लिए अलग हो गया, तो वो सब मिलाने के बाद आपका 11-12 हजार जो सीट आ रहा है वो होगा। लेकिन 181 के लिए आप समझ लो बॉयज हो तो 10,860 सीट के लिए ही फाइट करने जा रहे हो, और उसमें भी अगर आप महान होगे तो 181 न लॉक करके कितना किए होगे? 100 के अंदर ही, 100 से कम ही चॉइस लॉक की होगी। ये हर स्टूडेंट की मिस्टेक है, जिन्होंने खुद से साइबर कैफे से काउंसलिंग करवाया, उन्होंने सोचा कि सर चलो 100 चॉइस तक लॉक कर दिए, खूब बढ़िया है, मिल जाएगा। अब आप रैंक सोच लो, अगर इससे इसके अंदर है रैंक आपका, 10,000 के अंदर है, तब तो ठीक है, मिल जाएगा, चलो चांस है। लेकिन जिसका 10,000 या 15,000 के ऊपर रैंक है, जो स्टूडेंट 15,000 के ऊपर रैंक लाए हैं, और वो गलती से अगर 181 के 181 पूरा चॉइस लॉक नहीं किए हैं, तो 100% आज ही लिख लो, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। ये 100% है, तय है, देख लेना। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में आप खुश पछताओगे और कहोगे सर जो कह रहे थे सही है, क्योंकि आपने उतना चॉइस ही नहीं भरा है। और एक एक चॉइस में मैंने बताया कि 60 सीट होता है, किसी ने दो चॉइस किया, तीन किया, उसके अनुसार आप खुद जोड़ लो। आप जितना चॉइस लॉक किए हो अपने चॉइस से, जितना भी चॉइस, ये हमने हमें नहीं पता आप कितना किए हो, उसमें 60 का गुणा कर लो, कि एक चॉइस के पीछे आपका 60 सीट होता है, जितना आ रहा है वहां पे ये लिख लेना और देख लेना आपका रैंक कितना है। आपका रैंक इससे ज्यादा है, इससे कम है, आपको समझ में आ जाएगा। इससे काफी ज्यादा ज्यादा है तब तो एकदम चांस नहीं है, अगर इसके आसपास 1-2 हजार का अंतर है तब तो ठीक है, मिल जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही होगी आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचे होंगे अब कि हाँ सर आप तो सही कह दिए, लेकिन हमने तो 50 चॉइस ही लॉक किया था, अब मैं 181 का 181 पूरा करना चाहता हूँ, मैं फिर से चाहूंगा कि नहीं सर मेरा जो 100 चॉइस था, 80 चॉइस मैंने जो छोड़ा था, इसको भी मैं भरूंगा। तो आपने तो लॉक कर लिया होगा, प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे, तब तो लॉक करने के बाद कोई एडिटिंग वगैरह होती नहीं है आपके, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग या चॉइस फिलिंग हो रहा होगा, ठीक है। अगर लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास एक ऑप्शन है, अभी भी आप चाहो तो ये 50 चॉइस, 60 चॉइस, 80 चॉइस या जितने भी किए हो, अगर चाहते हो ये सबके सबके कन्वर्ट हो जाए, सर आप हमारे 180 में भर दीजिए, तो बिल्कुल आपका हेल्प हो जाएगा। और ये मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वेबसाइट से आपका पहले अनलॉक करवाना पड़ेगा, फिर उसमें एक एक चॉइस जो आप कहोगे उसको ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए एक्सपर्ट ऑपरेटर हमारे यहाँ है, वो जो बिल्कुल बिहार बोर्ड की वेबसाइट को ही केवल चलाते हैं। तो जिसको अगर चाहते हैं कि आप और ऐड करवा ले या पूरी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हो, आपका बिल्कुल हेल्प हो जाएगा। और यहाँ से मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 1% भी आपके लाइफ में चांस होगा कॉलेज मिलने का, तो 100% लिख लो यहाँ से काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब एकदम ही चांस नहीं होगा बाबू कि कोई कॉलेज मिलने लायक ही नहीं है, तो आप खुद से करो, साइबर कैफे से करवाओ, हमसे करवाओ, तो फिर नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर लूंगा कि अगर आपके पूरे काउंसलिंग में 1% भी चांस होगा, तो उसको मैं कन्वर्ट करवा के गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत है आपका, कोई गलत हो गया फॉर्म, फिर से भरना चाहते हैं, तो भी आप चॉइस करवा सकते हो। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, और इसी पे अपना डॉक्यूमेंट्स, रैंक कार्ड भेज देना। आपको क्या क्या चीज भेजना होगा? रैंक कार्ड, रैंक कार्ड जिसमें आपका रोल नंबर, नाम और कितना नंबर पाए हैं, इसको भेजना होगा, ठीक है। और 1 रुपये एक चॉइस फिलिंग का आपका लगेगा, मार्केट में 3 रुपये, 4 रुपये, उससे भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट काउंसलिंग होगी रैंक कार्ड। और आप ऐसे नहीं करोगे, रैंक कार्ड भेजने के बाद जो आपका जितने कॉलेज लॉक करवाना है, अगर 100 से कम चॉइस लॉक करवाना है, तब तो आपका 99 में हम पूरी काउंसलिंग करके आपको दे देंगे। लेकिन जिसको 181 का 181 पूरा लॉक करवाना है, तो आपको 99 का डबल करना होगा, यानी 198 रुपये आपके लगेंगे, और पूरा 181 चॉइस आपको लॉक करके दे दिए जाएंगे।
जो काउंसलिंग करवाना चाहता है स्टूडेंट, वो अपना रैंक कार्ड इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट दो चीज़ें बस हमें भेज दीजिए। उसके बाद कॉल कर लेना कि सर मैंने भेज दिया है, मेरा काउंसलिंग कर दीजिए। हम आपकी कॉल करवा के एक एक चीज़ें पहले आपसे पूछेंगे कि कैसे कैसे आप भरना चाहते हो, कौन सा कॉलेज आप भरना चाहते हो, ऊपर कौन सा रहेगा, फिर ट्रेड कौन सा रहेगा। उसके भरने के बाद आपको हम पीडीएफ व्हाट्सएप करेंगे, आप उसे चेक कर लेना। सब कुछ आपको सही लगेगा कि हाँ सर अब किस बार सही से भरा गया है, फिर बताना, तो हम उसे लॉक करके आपको फाइनल प्रिंट आउट दे देंगे जो आपको काम करेगा। समझ में आया? तो बिल्कुल 100% आपका काउंसलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 9628-00-4708। आप इन दोनों नंबर का यूज कर सकते हो, लेकिन जिसे काउंसलिंग करवाना होगा वही व्हाट्सएप करेगा या फिर कॉल करेगा, ठीक है। और आपको खुद चीज़ें एनालिसिस करके समझ लेनी है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितने चॉइस लॉक किए हैं उसमें 60 का गुणा कर लेना, कितने आप सीट के लिए फाइट कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। रैंक कितना है आपका वो भी पता आपको होगा ही, उसी से तुलना हो जाएगा। किसी का रैंक 100 है, उन्होंने केवल एक ही सीट के भरा है कि 60 सीट के लिए, तो कम चांस रहता है। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वन बाय वन मैं आपका काउंसलिंग का पूरा जिम्मेदारी लिया हूँ, तो पूरी हेल्प करूंगा। जो भी चीज पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में और एक प्लेलिस्ट में बनाओ, काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल उसमें दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एक एक टॉपिक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है।